हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल बीएलजी चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के स्टूडियो में बताऊंगा कि हम इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं तो हमारे मोबाइल में बैटरी होती है वो बहुत सारी खपत हो जाती है आसान तरीके से। जैसे हम इंस्टाग्राम को ओपन करते हैं और इंस्टाग्राम रील देखना शुरू करते हैं तो हमारी बैटरी होती है वो 50% से 30% हो जाती है, यानी जल्दी ख़त्म हो जाती है आसान तरीके से। तो मोबाइल में ऐसी ट्रिक कैसे लगा सकते हैं ताकि हम पूरे दिन भी मोबाइल चलाएँ तो हमारी बैटरी खपत नहीं होगी और वो लंबे शाम तक चल जाएगी आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, मैं बताऊंगा इस वीडियो में, तो आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको जानने को मिलेगा कि हम इंस्टाग्राम पर रील देखते हैं या कुछ भी देखते हैं तो हमारी बैटरी खपत नहीं होगी और पूरे दिन चल पाएगी आसान तरीके से। तो गाइस, आप वीडियो को एंड तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू कर लेते हैं फटाफट, आपका बिना टाइम गवाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब और आपको पास में घंटी दिख रही है उस घंटी को आपको ऑल पर प्रेस कर देना ताकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा गाइस तो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। उसको तो गाइस, अभी तक आपने मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया तो मीशो एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अकाउंट बनाकर मेरे फ्रेंड को रेफर करोगे तो आप 350 रुपये तक कमा सकते हो आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के टाइटल आपको क्लिक करना, जैसा वीडियो के टाइटल पर क्लिक करोगे तो गाइस आपको यहाँ पर डिक्शन ओपन हो जाएगी, तो गाइस आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे प्ले स्टोर में, प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको मीशो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके अकाउंट बनाकर फ्रेंड को रेफर करना शुरू कर देना ताकि आप भी पैसे कमा सकते हो आसान तरीके से। उसको तो गाइस आपको यहाँ पर मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना, जैसा मोबाइल की सेटिंग को ओपन करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। उसको तो गाइस आपको नीचे इंटरफेस कर लेना और आपको यहाँ पर सर्च कर लेना बैटरी, जैसे आप बैटरी के आइकन पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको यहाँ पर दिख रहा होगा मेरे मोबाइल में यहाँ पर 28 घंटे और 29 मिनट मेरे मोबाइल की बैटरी चल जाएगी आसान तरीके से। तो गाइस, मैं आपको लंबे समय तक चलाना चाहता हूँ तो उसके आपको यहाँ पर दिख रहा होगा बैटरी सेवर, जैसे उसको ऑन कर लेना। जैसे उसको ऑन करोगे तो आपको यहाँ पर बैटरी लाइफ बढ़ जाएगी आसान तरीके से। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा मेरे मोबाइल 23 घंटा यह मोबाइल चल जाएगी आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, ऐसे में अपनी बैटरी को आप सेवर को ऑन कर सकते हो और आप बैटरी की लाइफ बढ़ा सकते हो आसान तरीके से। उसको दिखाई आपको फिर से बाहर आ जाना है, उसको दिखाई आपको दिख रहा होगा इंस्टाग्राम का आइकन, इंस्टाग्राम का आइकन आपको क्लिक कर रखा है। जैसे उसको प्रेस करके रखो तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो गाइस आपको दिख रहा होगा कौन कौन ऐप इन्फॉर्म, जैसे आप उसको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस आपको इस प्रकार इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। उसको दिखाई नीचे इंटरफेस कर लेना, जैसे नीचे इंटरफेस करोगे तो आपको दिख रहा होगा नोटिफिकेशन, जैसे आप नोटिफिकेशन आपको क्लिक कर लेना। जैसे नोटिफिकेशन क्लिक करोगे तो गाइस आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हो गए उनको चालू कर लेना, बाकी सभी नोटिफिकेशन को बंद कर देना। जैसे आपको दिख रहा होगा मेरा साउंड का नोटिफिकेशन बंद कर रखा है और वाइब्रेट का नोटिफिकेशन मैंने बंद कर रखा है, यानी मेरे को कोई फॉलो करेगा कुछ भी होगा तो मैं अपने व्हाट्सएप को खोल के यानी इंस्टाग्राम को खोल के देख सकता हूँ आसान तरीके से। तो गाइस, ऐसे में इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होगा उनको आप चालू कर लेना, बाकी सभी नोटिफिकेशन को बंद कर सकते हो। उसके बाद आपको बैटरी खपत नहीं होगी और लंबे समय से चल जाएगी आसान तरीके से। तो फ्रेंड्स, आप दोनों ट्रिक लगा सकते हो और अपनी बैटरी खपत होने से बचा सकते हो आसान तरीके से। तो चलिए गाइस, वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और फ्रेंड्स, अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे ट्विटर फॉलो कर लेना ताकि मैं आपके लिए ऐसे अर्निंग से रिलेटेड एप्लीकेशन लाऊंगा गाइस तो आपको सब्सक्राइब देखने को मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, फाइनली इस वीडियो आज इतना ही, तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगले वीडियो फिर मिलते हैं जल्दी।